हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट मैं और लेकर के आया हूँ गाइस। तो मैं चलिए आज का कंटेंट मैं आज आपको बता दूं। तो आज का कंटेंट है गाइस कि आज जो मीडियाटेक यूएमटी का जो टूल है, यूएमटी मीडियाटेक का जो टूल है गाइस, जो मैं आज इसके बारे में अपडेट बताने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। इसका जो वर्जन है 4.9 आ चुका है। तो इसमें जो क्या एडेड हुआ है वो मैं अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा गाइस। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा कि इसमें जो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि इसके अपडेट के बारे में। तो देख सकते हैं इसका 4.9 ये अपडेट वर्जन आ चुका है गाइस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4.9 ये अपडेट आ चुका है गाइस। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें क्या क्या अपडेट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो अपडेट है इसमें एडिट पार्टीशन मैनेजर का इन्होंने कर दिया है, जो कि आप फोन को कनेक्ट करके गाइस पार्टीशन को रीड राइट और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो आज का अपडेट ये है गाइस, और ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ गाइस विद प्रैक्टिकल तौर से दिखाऊंगा कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो सिंपल तरीके से ये जो एडेड है पार्टीशन का इन्होंने ऐड किया है कि जो हमारे फोन में पार्टीशन होते हैं, तो उस पार्टीशन को मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे इसको वर्क करता है, क्या करता है, मैं इसे प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल आपको आना है, सबसे नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन में आना है गाइस, और यहाँ पे आप मिरर में आप सिंपल और सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको हम दिखा देते हैं कि गाइस की ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए मैंने 4.9 यहाँ पे रखा हुआ है, चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं गाइस। तो मैं आपके सामने ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको पूरा हेल्पफुल वीडियो हो, ऐसा नहीं कि कोई पता भी नहीं चले और क्या अपडेट हुआ क्या नहीं हुआ गाइस। तो चलिए फाइनली आपके सामने कैसे डाउनलोड करना था, कैसे इसको अपडेट करना है, कैसे इसको डाउनलोड करना है, सारा कुछ मैं यहाँ पे बताया। तो चलिए यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, और फिर देखेंगे गाइस कि इसमें क्या अपडेट आया हुआ है। तो विद प्रैक्टिकल आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो एक छोटी सी वीडियो है, अपडेट वीडियो है गाइस, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ UMT, और बहुत अभी तक ये क्वालकॉम में जैसे था, तो क्वालकॉम में कनेक्ट करने के बाद भी सारा चीज़ हम प्रोसेस कर सकते थे, बाहर से भी हम कर सकते थे। बाकी यहाँ से भी इन्होंने जो टूल डाल दिया है बहुत ही अच्छा अपडेट कर दिया है कि आप जब कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सिक्योरिटी की फाइल और नेटवर्क फाइल आपको अगर डालनी है पर्टिकुलर, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं गाइस। तो फिलहाल अभी हम इसको कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे कर देंगे फिनिश। अब इसको सेटअप को हम ओपन करेंगे, और सेटअप को ओपन करने के बाद आपको हम सारा कुछ यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट सेटअप को कर देते हैं ओपन, इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो अब ये हमारा ओपन हो जाएगा गाइस फटाक से। जैसे ओपन हो जाएगा तो मैं आपको उसका अपडेट वर्जन आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ गाइस। तो आई होप मैं ऐसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड आपको अपडेट ले। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पार्टीशन मैनेजर का यहाँ पे एक टैब बन गया। पहले आपको तीन टैब था, फ्लैशर, टूल एंड और MTK, और यहाँ पे पार्टीशन मैनेजर का एक टैब यहाँ पे बन के आ चुका है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे सिंपल और सिंपल, जैसे क्वालकॉम में टैब बना हुआ था क्या पार्टीशन, जैसे आप फोन को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे फोन पार्टीशन आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए फिलहाल हम यहाँ पे दिखा देते हैं क्योंकि इसका अपडेट ही है। तो यहाँ पे नीचे आपको फोन को कनेक्ट बटन पर मैंने दबा दिया, अब फोन को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो एक फोन है हमारे पास, मैं फोन को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए फोन हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट होने के बाद Type 2 क्रैश, यहाँ पे अभी फोन हमारा कनेक्ट हो चुका है, प्रीलोडेड मोड सक्सेसफुली, ये देखिए डन 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 हो गया यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे भी हो गया डन, और यहाँ पे देख सकते हैं भी पार्टीशन बन करके आ जाएगा गाइस। ये देखिए ये हमारा पार्टीशन आ गया गाइस, ये हमारा एड्रेस आ गया, ये हमारा सब कुछ आ चुका है गाइस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही, मतलब ये जो वीडियो है गाइस बहुत, मतलब ये जो टैब इन्होंने डाला है बहुत अच्छा टैब डाल दिया है रीप्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, कि कभी भी हम जब कभी यहाँ पे पार्टीशन को देखना चाहते हैं, पार्टीशन हमारा है कि नहीं है, हमारी फाइलें हैं कि नहीं है गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस की पर्टिकुलर हम इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम रीड राइट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा अपडेट लगा मेरे को गाइस। आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसके Protect 1, Protect 2 और एनवायरमेंट में डाटा को रीड राइट भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे पार्टीशन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग था। तो अपडेट इसका यही था कि इन्होंने पार्टीशन मैनेजर को एडिट किया है। ये भी प्रैक्टिकल हमने दिखाया कि कैसे आपको एडिट करना है, कैसे नहीं करना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।